For more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss a video. Assalamu alaikum, sastriyakal, namaste. वो वीडियो पहले वाला डिलीट हो गया था, पता नहीं मेरे फेसबुक पे भी बहुत सारे हैकर घुस गए हैं। तो आप लोगों ने देखा कि मैं हिंदुओं के खिलाफ नहीं हूँ, हिंदू मेरे साथ रहते हैं हमेशा, सरदार मेरे साथ है, मेरी पूरी टीम में अल्लाह के बंदे में सारे योद्धा लोग हैं, योद्धा। ये चोरों जैसे झूठे नहीं, ये जो जो चोर तुमको बेवकूफ बना रहे हैं ना, उनके जैसे झूठे नहीं। ये हर हर बोले क्या बोला था वो राणा, ये फिल्म आएगी तो मैं ये कर लूंगा, वो आएगी तो मैं वो कर लूंगा। और ये तुमको 3 किलोमीटर दूर से देख लो, अभी ये मेरा घर का रास्ता है, ये घर का रास्ता है, अभी तो कितनी दूर है मेरा घर, मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसने वीडियो भी डिलीट कर दिया, देखे आप, ये झूठे लोग हैं। अरे राम भगवान अपने आप में इतने बड़े योद्धा थे, और उन्होंने ये नहीं बोला था कि मुसलमानों को मार दो, और हमारे प्रॉफिट ने भी ये नहीं बोला कि हिंदुओं को मार दो। ये सिर्फ सियासत है, इसीलिए मेरी सियासत से दुश्मनी है और मैं सियासत के खिलाफ वीडियो बनाता हूँ। ये मेरा लास्ट वीडियो है मेरे हिंदू भाइयों के लिए भी और मुसलमान भाइयों के लिए भी, क्योंकि अब मेरी माँ नहीं रही, मेरी माँ का इंतकाल हो गया है, और मेरे घर वाले ये सब लोग मेरे खिलाफ हो गए हैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरे ये लोग भी, मेरे सब लोग बोलते कि भाई ये लास्ट वीडियो, इसके बाद हमको किसी के, ये देखो ये चौराहा आया, ये गणेश चौक है, गणेश साई मंदिर, ये देखो यहाँ पे हम हिंदू मुसलमान मिल के रहते हैं, ये मंदिर है, ये मस्जिद है, यहाँ पे बोलते हैं यारी रोड मंदिर मस्जिद, ये इलाका है, अभी देखते जाओ कितनी दूर है। और आप लोगों को वो बेवकूफ बना रहा है कि कितनी दूर है। और सबसे पहले बात तो मैंने किसी हिंदू के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोला है, सिर्फ मेरी प्रॉब्लम है योगी और मोदी से जो ये देश को बर्बाद कर रहे हैं, और किसी से मेरी प्रॉब्लम नहीं है। और ये देश में हिंदू राज कभी नहीं आएगा, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब, देखो एक और चौराहा आया है, ये देखो, ये सब तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। और मैंने कभी भी किसी की मदद करते हुए हिंदू मुस्लिम नहीं देखा, सिर्फ इंसानियत के हिसाब से मैं मदद करता हूँ। और मैं फ्रीडम फाइटर हूँ यार, ना मैं हिंदू हूँ ना मैं मुसलमान हूँ, मैं फ्रीडम फाइटर हूँ। मैं गलत चीज के खिलाफ बोलूंगा, हक पे बोलूंगा और बोलता रहूंगा। और ये मेरा लास्ट वीडियो है, बस अब थोड़ा सा काम कर लूं, थोड़ा सा मेरी अम्मी के लिए उनकी भी बात सुन लूं, वो भी यही चाहते थे कि मैं कब तक लोगों के लिए लड़ता रहूं, लोगों के लिए करता रहूं, लोगों के लिए बोलता रहूं, क्या करूं। अंदर मेरे कोई इंसान है जो हमेशा बुलवाता है। आज मेरे ये हिंदू भाइयों ने मेरे को फोर्स करा कि भाई हमको मैसेज देना है, हमको देना ही है कैसे भी करके। ये लोग मेरे साथ सालों से रह रहे हैं, मुझे खाना अपने हाथों से खिलाते हैं, नायडू मेरा बॉडीगार्ड है, दुनिया जानती है, वो भी हिंदू है। और यार हिंदुओं से मेरी कभी दुश्मनी ना रही है ना है, मेरी दुश्मनी सिर्फ सियासत से है और रहेगी, जिंदगी भर रहेगी। लेकिन अब मैं ये कह दूं तुम लोगों से कि प्लीज ये धर्म के नाम पे बेवकूफ बनाने वालों से बचो, इन लोगों से बचो, क्योंकि ये लोग सिर्फ तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं और बनाते रहेंगे। उपदेश राणा कह रहा था कि मोहम्मद पे फिल्म बनाएगा, और सबसे पैसा जमा किया पूरी दुनिया से और पैसा खा गया, और ये लोग सिर्फ मुझे गाली दे के बड़े बन गए। इन्होंने पहले कोई इन्हें जानता था? एक बात बताओ, पहले उपदेश राणा, अश्विन मिश्रा या और एक और चोर था, क्या नाम है, प्रमोद दुबे, ये चोरों को कोई जानता था? ये चोरों ने कभी हिंदुत्व के लिए कोई काम किया हो तो बताओ। सिर्फ इन्होंने इजाज खान को गाली दी, बड़े हो गए। इसीलिए हम सबको एक रहना है, जिस तरह भगत सिंह थे, अशफाकुल्ला खान थे, सब हिंदू मुसलमान, हम मतलब हिंदू मुसलमान, हम सब मिलके ये देश के लिए। ये देखो ये भाई मेरी बिल्डिंग, अब तुम्हें हम बताते हैं, इनसे पूछो भाई ये कौन सी बिल्डिंग है। एजाज खान कहाँ रहते हैं? वीविंग 1101। भाई इनसे भी पूछो कहाँ रहते हैं एजाज खान, इधर आओ भाई। अबे तुझे तो मेरे वॉचमैन ही मारते अगर आ जाता तो। भाई हम कहाँ रहते हैं? वीविंग 1101 प्रियंका। देख लो दुनिया वालों, मेरे हिंदू भाइयों, देख लो किन्हें हीरो बना दिया है यार।
अपना अपना काम करो, आज चंदन गुप्ता, आज अक्रम, ये सब मारेगा, किसका योगी का क्या नुकसान हुआ? कोई नेता का बेटा मरा? कोई पॉलिटिशियन का बेटा, कोई पैसे वाले का बेटा मरा? नहीं मरा, नहीं। और ना ये लोग गए ना पूछा। ये है मेरी बिल्डिंग, ये है हमारी बिल्डिंग, जहां पे कम से कम 15 तो वॉचमैन रहते हैं, वो भी सारे सामान के साथ, जो इसे कुत्ता बना के मारते हैं। अगली बार से देख लेना, सामने कॉफी शॉप है, ग्लोबल का दुकान है, और ये है हमारा बिल्डिंग। तो लोगों को बेवकूफ बनाना बनकर, इनसे भी पूछो, ये मारता था तुझे। भाई कहाँ रहते हैं हम? जोर से बोलो, बियंका बीविंग 1101। ये है मर्द के बच्चे हम। तो आज के बाद ये याद रखना कि भड़काना बंद कर हिंदू मुसलमानों को आपस में, हम सब एक है और एक रहेंगे इंशाअल्लाह। दुआओं में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का जुबा पे स्वाद रखना। हम सबको मिलके इनके खिलाफ लड़ना है, सियासत के खिलाफ लड़ना है।